हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस एंड एम्बिशन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी जेई मेंस का एग्जाम दिया है, स्टूडेंट्स वो अपनी रैंक को कैसे यूज कर सकते हैं और उनको अलॉटमेंट्स कैसे होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड का आपको पता है बच्चों रिजल्ट आ चुका है और फर्स्ट राउंड में जितने भी बच्चों को अलॉट हुए हैं कॉलेजेस, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अपने इंस्टीट्यूट के अलॉटमेंट के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आपको जिनको भी IITs मिले हैं, NITs मिले हैं फर्स्ट राउंड में, सो अब जिन बच्चों को नहीं अलॉट हुआ है अब उनको आगे कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या क्या उनको हेल्प हो सकती है। और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, होप नहीं छोड़नी है। आज मैं ऐसे दो स्टूडेंट्स से आपको मिलवाने वाली हूं जिनको फर्स्ट राउंड में जोसा के फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है और वो बहुत खुश हैं। तो अपनी वो सक्सेस जर्नी वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो मैं इन्वाइट करने वाली हूं हमारी पहली स्टूडेंट साक्षी शुक्ला को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साक्षी शुक्ला है और मुझे जोसा के फर्स्ट राउंड में IIT भुवनेश्वर अलॉट हुआ है। मैंने PCM से JEE मेंस और JEE एडवांस दिया था। मैंने फुल प्रिपरेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में की थी, जिसमें मुझे फिजिक्स में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिसके लिए मैंने DC पांडे और HC वर्मा से हेल्प लिया। मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए जिसके थ्रू मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया और आगे की प्रिपरेशन की। केमिस्ट्री और मैथ्स में मुझे स्कोर मीडियम रहा था और मुझे काफी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी और सिर्फ NCERT और RD शर्मा के थ्रू मैंने JEE एडवांस का पेपर दिया था। मेरी JEE एडवांस में रैंक 28,000 बनी। उसके बाद मैंने जोसा की चॉइस फिलिंग के लिए प्रियांशी मैम और लकी सर को कंसर्न किया, तब मुझे पता चला कि मुझे IITs में चॉइस फिलिंग्स के थ्रू मिल सकता है। उन्होंने मेरी चॉइस फिलिंग में बहुत मदद करी जिसके थ्रू मुझे फर्स्ट राउंड में IIT भुवनेश्वर अलॉट हुआ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा साक्षी को कैसे उसकी जर्नी रही, अब मैं अपने दूसरे स्टूडेंट, मेरा सेकेंड स्टूडेंट आस्था वर्मा, जिनको की NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई है, सो अब मैं उनको इन्वाइट करती हूँ और वो अपनी जर्नी शेयर करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आस्था वर्मा है। मुझे इस बार NIT इलाहाबाद में CS मिला है। और अगर आपको JEE मेंस या JEE एडवांस कुछ भी क्रैक करना है तो आपके दो सब्जेक्ट तो बेस्ट होने चाहिए। अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है तो मुश्किल है कि आपको मतलब कि मिल क्रैक कर लेंगे, लेकिन इतने अच्छा आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मेरे दो सब्जेक्ट अच्छे थे, मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको मैथ्स में बहुत अच्छा करना है तो आप RD शर्मा बुक लगाइए, तो आप मेंस के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे और एडवांस के भी कर लेंगे। उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में और आपको सब में टाइम सही से देना पड़ता है। अगर जो आपके अच्छे सबसे पहले उसमें टाइम दीजिए, जो आपका कम अच्छा आखिरी में उसमें टाइम दीजिए। और फिर फिजिक्स के बारे में बताएं तो फिजिक्स में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो सवाल लगाने आपको दिक्कत होगी। और केमिस्ट्री तो क्या बताएं, आपको NCERT तो आनी चाहिए। और फिर हाँ, अगर आपके सब तैयार हैं तो आप अनसॉल्व लगाइए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। बच्चे बस शुरुआत में पढ़ते हैं, फिर टाइम दे देते हैं, कहते हैं हाँ मुझे तो आता है, फिर वो भूल जाते हैं, ये बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपको करना चाहते हैं तो आप ये सब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी बच्चा क्रैक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत करनी है, फोकस करना है। सब बच्चों के कोई ना कोई एक पैशन होता है कि मुझे यही ब्रांच चाहिए, इसी में पढ़ना है। तो मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो लेकिन जब मेरा रिजल्ट निकला, मैंने अपनी रैंक देखी, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे मिल सकता है कंप्यूटर साइंस की किसी भी NITs में। मैंने गूगल में सर्च करा सारे कॉलेजेस के ओपनिंग रैंक के बारे में, फिर उसके बाद मुझे कैरियर गाइडेंस के बारे में पता चला। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। आप सोचते होंगे जो काउंसलर होते हैं बस वो पैसे लेते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन ये जिन्होंने सारे कॉलेजेस के बारे में बताया और मुझे ब्रांचेस के बारे में बताया कि किस ब्रांच में क्या पढ़ाई होती है। कुछ बहुत से बच्चे सोचते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में लगता है केमिस्ट्री होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब में अलग होता है। फिर जब मेरी रैंक आई, फिर मैं कैरियर गाइडेंस, जब सबसे ज़्यादा काउंसलर हेल्प करते हैं हम लोग की चॉइस फिलिंग में। जो बच्चे होते हैं जो खुद से करते हैं वो 300 कॉलेजेस भर देते हैं, कोई कोई 400 भी भर देते हैं, ये जो भरते हैं ना उनमें बहुत दिक्कत होती है। मेरी चॉइस फिलिंग में टोटल कॉलेजेस 31 थे और मुझे फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट अलॉट में NIT इलाहाबाद में CS मिल गया। तो अगर आप किसी भी काउंसलर को प्रेफर करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप कैरियर गाइडेंस पे जाएं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉलेजेस के बारे में, फीस के बारे में, लेकिन सब कुछ जो आपको जानना होगा सब बताएंगे। हेलो गाइस, मायसेल्फ शैलेंद्र पांडे, मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे भाई, फिजिक्स आप लोगों को इतना पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, है ना। चलिए, आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोगों ने जिन दो बच्चों से बात किया है उनसे बात करके एक बात तो भाई बहुत अच्छे से हमें समझ आ जानी चाहिए। वो बात ये है कि जब आप लोग मेहनत करते हो
पीसीएम में मेहनत करते हो, जेई मेंस में आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन कई बार जब बच्चों की रैंक थोड़ी सी पीछे होती है तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि इस रैंक से मुझे मिलना नहीं है। और जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, सर अब तो मुझे मिल ही गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आपकी चॉइस फीलिंग होती है, जो आप कॉलेज चूज कर रहे हो, जो आप काउंसलिंग कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पूरी लाइफ में, आपके पूरे करियर में। तो मैं अब इन बच्चों से पूछना चाहता हूं, कि आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस का क्या रोल रहा है। बेटा आप लोग ने खूब तैयारी की है, आप लोगों ने अपनी रैंक गेन किया है, ठीक है, वो रैंक आपकी अपनी मेहनत से आई है, लेकिन आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई हमारे बच्चों को भी आप बताइए कि करियर गाइडेंस ने और काउंसलिंग ने आपका क्या हेल्प किया है यहां पर। एक एक करके बेटा आप लोग बताइए कि आपको क्या इस चीज में बेनिफिट रहा। ठीक, आपने काउंसलिंग कराई तो आपको क्या ऐसा स्पेशल लगा कि बाकी बच्चों को भी काउंसलिंग करनी चाहिए दूसरों से या नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताइए जल्दी से बेटा। सर, जब मैं पहली बार आई थी तो मेरे दिमाग में ये था कि रैंक तो मेरी है, सब कुछ नेट पे दिया हुआ है, सब देख लेते हैं, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक, तो पता चल ही जाएगा कि मुझे कहाँ पे स्टैंड करना है। पर जब मैं करियर गाइडेंस में आई तो मुझे ये पता चला कि मुझे बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं उस रैंक से जो मेरे पास आई है। फिर मैंने प्रांशी मैम और लकी सर से हेल्प ली, जिससे मुझे एडवांस की रैंक से IIT भुवनेश्वर अलॉट हुआ। तो कुल मिलाकर के गाइज आप लोग ये देख सकते हैं कि चॉइस फिलिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बच्चा सही चॉइस फिलिंग ना करता तो शायद आज उसको IIT भुवनेश्वर ना मिल पाता और एक नया IITian जो तैयार हो रहा है वो शायद ना तैयार हो पाता। तो आप लोग से आइए अगले बच्चे से मिलवाता हूं और उनसे मैं पूछता हूं कि बेटा ये बताइए, जब आपने काउंसलिंग करवाया तो उस काउंसलिंग का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा, आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि बाकी लोगों को भी बहुत सिंसियरली काउंसलिंग करनी चाहिए। जब मैं गई थी काउंसलर के पास तो मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, तो मुझे कंप्यूटर साइंस बेस्ट कॉलेज में चाहिए थे, लेकिन मुझे रैंक के हिसाब से लग नहीं रहा था कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिल भी पाएगी। फिर प्रियांशी मैम, लकी सर ने मुझे बताया कि तुमको मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने मेरी काउंसलिंग करवाई, मेरी 31 चॉइस फिलिंग थी, मुझे फर्स्ट राउंड में NIT इलाहाबाद में CS मिल गया। तो आप सबकी भी कोई ना कोई ब्रांच होगी, आप एक ब्रांच को सिलेक्ट करिए और उसी के हिसाब से जो अच्छे कॉलेज है उनको फिल करवाइए। थैंक यू। तो कुल मिला के इस बच्चे का एक्सपीरियंस ये रहा भाई कि आप लोग अपनी ब्रांच जो है वो ब्रांच पहले से डिसाइड करो, CS चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, केमिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, इसके थ्रू गेट में आगे मिलता है, इसके थ्रू PSU मिलता है, थोड़ी सी जानकारी आगे की ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग बेटा अपना जो आपकी ब्रांच है उस ब्रांच को सेलेक्ट करिए एंड देन उस ब्रांच के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है उसको अडॉप्ट करिए। कुछ बच्चे कॉलेज को प्रेफर करते हैं लेकिन कुछ बच्चे ब्रांच को प्रेफर करते हैं, जैसे ये बच्ची CS के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। आइए अब लकी सर से बात करते हैं कि लकी सर ने किस तरह से हेल्प किया है और लकी सर कैसे आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। ठीक है गाइस, आज आप लोगों ने देखा है कि एम्बिशन क्लासेस के चैनल पर हमारे दो बच्चों को हमने आज इनवाइट किया है, जिनको आप IIT एडवांस की रैंक साक्षी शुक्ला और मतलब जेईई मेंस की रैंक आपका आस्था वर्मा को NIT इलाहाबाद में CS ब्रांच अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, और साक्षी शुक्ला को फर्स्ट राउंड में IIT भुवनेश्वर में मटेरियल साइंस अलॉट हुआ है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ उन सारे बच्चों से जिन्होंने जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, हम लोग एम्बिशन क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर और करियर गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज काउंसलिंग को लेकर डालते रहते हैं, कट ऑफ को लेकर डालते रहते हैं, ब्रांच को लेकर डालते रहते हैं। हमारा मेन मोटिव ये रहता है हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको हम देते रहें काउंसलिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि काउंसलिंग का जो प्रॉपर एजेंडा होता है, जो प्रॉपर प्लानिंग होती है, वो बच्चा कितनी भी अच्छी रैंक लेके आए या कितनी भी खराब रैंक बच्चे की आ जाए वो काउंसलिंग के प्रॉपर प्लानिंग को समझ नहीं पाता है। तो मैं बस बच्चों को ये बताना चाहता हूं, जैसे इन दोनों बच्चों को IITs मिला है या NIT मिला है, ऐसे सारे बच्चों को अच्छे से अच्छा ऑप्शन अलॉट हो। अभी 5 राउंड और बचे हुए हैं, सेकंड राउंड का रिजल्ट आज शाम को 5 बजे आने वाला है। मैं बस चॉइस फिलिंग को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के ये बताना चाहता हूं बच्चों को कि आप लोग अपनी काउंसलिंग से पहले प्लानिंग जरूर करें, एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करें और उसमें हमारी टीम, मैं एम्बिशन क्लासेस करियर गाइडेंस आपकी हेल्प करूंगा पूरी पूरी, क्योंकि अभी CSAV राउंड बाकी है। जिन बच्चों को जोसा के 6 राउंड तक उन्होंने कैसी चॉइस फिलिंग की है, कल हम लोगों ने एक लाइव सेशन किया था, मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई थी कि जो चॉइस फिलिंग उन्होंने कर रखी है उसका मुझे वो स्क्रीनशॉट दें तो मैं देख के बता पाऊंगा। जैसे कि मेरे पास कल एक फोन आया था रात को, MP का बच्चा है, 15,000 रैंक है, उसको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग में कहीं ना कहीं गलतियां की गई हैं।
तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा अच्छा रैंक है, हम लोग पिछले 8 साल से काउंसलिंग में हेल्प कर रहे हैं उनको, मैंने बड़ा नीचे लेवल के कॉलेज अलॉट होते देखे हैं। हम लोग अपने प्रोस्पेक्टस में फर्स्ट लाइन लिखते हैं कि हर साल इंडिया में जेईई मेंस की काउंसलिंग में लगभग 80% बच्चा अपनी रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ऑप्ट करता है केवल ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मैं बस आपको लास्ट में यही बताना चाहता हूं कि आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहें, एमएसएन क्लासेस से जुड़े रहें, करियर गाइडेंस से जुड़े रहें। बाकी लास्ट में मैं प्रांसी मैम से बोलना चाहता हूं कि कुछ बताएं आप बच्चों को बारे में कि जो अभी जोसा का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाने वाला है और बाकी 4 राउंड अभी और हैं, उसके बाद जो सीएसएवी राउंड होगा, एचबीटीयू, डीटीयू मतलब जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, इसके अलावा जितने भी ऑल नेशनलाइज और स्टेट काउंसलिंग्स होती हैं उनका जो स्पॉट राउंड अभी बचा हुआ है, उन स्पॉट राउंड में आप अपनी रैंक को कैसे यूज कर सकते हैं, हालांकि इस पर हमने वीडियोस बहुत सारे पहले बना दिए हैं। और मैं प्रांसी को बताना चाहता हूं कि वो कुछ बताएं बच्चों को। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा आज आपने दो बच्चों का सक्सेस जर्नी सुना, सब कुछ उनके बारे में सुना और उन्होंने आपको काफी ज्यादा मोटिवेट किया और गाइड किया। अब आपके जो नेक्स्ट राउंड्स हैं, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, 6 राउंड्स ऐसे होंगे एंड आपके पास एक सीएसएबी में एक और मौका है स्टूडेंट, जिसमें आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपने जोसा के फर्स्ट राउंड में कोई भी ऐसी मिस्टेक कर दी है जो अब नहीं आप चेंज कर सकते हैं, आप सीएसएबी में आपको एक लास्ट मौका मिलेगा, उस लास्ट मौके को मत गवाइएगा। उसमें अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और आपको जो भी क्वेरीज है, आपको जो फर्स्ट राउंड में जो भी आपसे मिस्टेक हो रखी है, आप उसको एनालाइज करके और सीएसएबी की फ्रेश काउंसलिंग्स कर सकते हैं और उस काउंसलिंग्स में आपको हम हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप जितने भी वीडियोज पढ़े हैं हमारे चैनल पे, आप उन सारे वीडियोज को देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट काउंसलिंग सीएसएबी की अटेम्प्ट कीजिए। किसी और स्टेट लेवल की काउंसलिंग्स करनी, आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल में या व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।